वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन में गेम शो स्टार्ट हो जाती हैं और इन गेम शो में होने वाली हरकतें तो अब अरूज पर पहुंच गई। शुएब मलिक ने शाइस्ता लोदी के साथ ऐसी नाजेबा हरकत कर दी और इस तरह से कि वो वीडियो भी वायरल हो रही है। जी तो पाकिस्तान के सेट पर शुएब मलिक ने लगाया शाइस्ता को उनके सीने पे हाथ, तो शाइस्ता लोदी गुस्से में आ गई। अरे क्या कर रहे हो, रमज़ान है, शर्म की कोई इंतहा है, हाथ पीछे करो। अब बताने जरा ये वीडियो भी वायरल हो गई। आज की इस वीडियो में मुकम्मल आगाही देंगे और बताएंगे, दिखाएंगे वो तमाम लम्हात भी जिसमें ना सिर्फ जीतो पाकिस्तान में शाइस्ता के साथ ये सिर्फ हो रहा है बल्कि शाइस्ता को कभी गिरा दिया जाता है, धक्का मार दिया जाता है और कभी कुछ मर्दों के दरमियान शाइस्ता लोदी गेम शो तो करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आए दिन उनके हवाले से कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रही है। आखिर इस वीडियो में क्या हुआ था, क्या बाय मिस्टेक शुएब मलिक ने ये किया या फिर शुएब मलिक ऐसे ही करते हैं? कि शुएब मलिक के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आती रही हैं पिछले दिनों, क्योंकि उनकी तलाक की खबरें भी गर्दिश में थी। सानिया ने आखिर शुएब मलिक से क्यों अलहदगी इख्तियार कर रखी थी? लोगों का कहना था कि इनके बहुत से ऐसे फ़ोटोशूट भी आते रहते हैं और मुख्तलिफ अदाकारों के साथ इनके गैर मुनासिब फ़ोटोशूट, इनका उनके साथ ज़्यादा फ्री होना, ये तमाम चीज़ें ये वाजे करती हैं कि शुएब मलिक जो हैं वो काफ़ी जो हैं वो आउट ऑफ रेंज निकल जाते हैं जब भी लड़कियों के साथ होते हैं। तो इस जीतो पाकिस्तान के शो में जब ये मौजूद थे तो शाइस्ता लोदी के साथ गैर मुनासिब गैर अखलाकी हरकत करते हुए नज़र आए, तो शाइस्ता लोदी भी खामोश ना रहीं और गुस्से में आ गई और कहने लगी कि हाथ पीछे हटाओ, शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो। और ये तमाम चीज़ें वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और ये इतना सा क्लिप काफ़ी वायरल हो गया। इसकी वीडियो तस्वीर आपके साथ शेयर करें हैं। आपका कहेंगे, ना सिर्फ शाइस्ता लोदी बल्कि बहुत सी ऐसी अदाकाराएँ हैं जो गेम शो के दौरान या फिर कुछ ऐसे रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ दौरान उनके साथ ऐसी नजेबा हरकत हो जाती है जिस पर काफ़ी भरना भी होती है और कुछ तो खामोश रह जाती हैं अपनी इज्जत बचाने के खातिर। क्या कहना चाहेंगे तमाम सिचुएशन के हवाले से, क्या औरतों को खामोश रहना चाहिए या फिर आवाज़ उठानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।